नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। सरगुजा के प्रभारी IG रतनलाल डांगी एवं 40 IPS के हुए तबादले। कोरिया जिले के नए पदस्थ SP संतोष कुमार सिंह होंगे, जो वर्तमान में रायगढ़ SP हैं। वहीं कोरिया के SP चंद्रमोहन सिंह का ट्रांसफर 4th वाहिनी सशस्त्र बल माना गया है। सरगुजा रेंज IG RP साय को हटा दिया गया और सरगुजा IG रेंज के नए IG अतिरिक्त प्रभार में IPS रतनलाल डांगी होंगे, जो बिलासपुर IG हैं। देखिए पूरी लिस्ट। R9 भारत के लिए अजीम अंसारी की रिपोर्ट, कोरिया सूरजपुर सरगुजा छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। जिला कोरिया के मनेन्द्रगढ़ वन मंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र कोल्हारी में पथ वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 1500 फलदार वृक्षों का रोपण किया जा रहा है। वन परिक्षेत्र अधिकारी कोल्हारी रामसागर कुर्रे ने जानकारी देते हुए बताया कि मनरेगा के तहत लगभग 3 किलोमीटर तक सड़क के किनारे दोनों ओर 1500 फलदार वृक्षों का रोपण किया जा रहा है। आने वाले राहगीरों को मीठे फलों का स्वाद भी मिलेगा और छाया का लाभ भी मिल सकेगा, वातावरण भी स्वच्छ रहेगा। उप वन मंडल अधिकारी के एस खुटिया भी पद वृक्षारोपण का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने पौधे के लिए खोदे जा रहे गड्ढे, खाद और सड़क किनारे लग रहे पौधों की दूरियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। R9 भारत के लिए अजीम अंसारी की रिपोर्ट, कोरिया सूरजपुर सरगुजा छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। गृह एवं लोक निर्माण मंत्री तथा कोरिया जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू 4 जुलाई को रविवार को कोरिया जिले की समीक्षा करेंगे। वह सवेरे 9 बजे रायपुर से हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर 10 बजे कोरिया जिला पहुंचेंगे। श्री मंत्री साहू 10 बजे सर्किट हाउस में आम जनता से भेंट करने के बाद कलेक्ट्रेट सभा में 11 बजे लोक निर्माण विभाग और 11:30 बजे गृह एवं जेल विभाग का समीक्षा करेंगे। श्री मंत्री जी दोपहर 12 बजे सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक को लेकर जिले में चल रहे विकास कार्यों तथा योजनाओं की समीक्षा करेंगे। वह 1 बजे जिला खलिज न्यास का विधि बैठक करेंगे। इसके बाद विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण तथा भूमि पूजन करेंगे। श्री साहू अपरांत 3 बजे बैकुंठपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत आने में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर राजधानी रायपुर लौटेंगे। R9 भारत के लिए अजीम अंसारी की रिपोर्ट, कोरिया सूरजपुर सरगुजा छत्तीसगढ़।